हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 7 मामले बढ़ने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि फरीदाबाद बहुत अच्छी स्थिति में है। एनआईटी से 3 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ओल्ड फरीदाबाद से 4 नए केसों की राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, डिटेल्स बताइए। जी गौरव, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अचानक जो 7 मामले आज बढ़े हैं और 7 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट यहां पर आई है। 3 लोग 1 नंबर इलाके के बताए गए हैं और 4 लोग ओल्ड फरीदाबाद से बताए गए हैं। और इसी के चलते प्रशासन के जो हाथ पैर फूले हुए कह सकते हैं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी गौरव, ठीक है, इनका संबंध भी क्या दिल्ली से था किसी तरह से? देखिए, इस बात की अभी कोई जानकारी प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई है और जैसे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे अलग अलग मरीजों की, तब ये क्लियर हो पाएगा कि इनमें जमाती है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर्स की क्या स्थिति है, क्योंकि ये खबरें लगातार मिल रही थी कि बॉर्डर सील करने के लिए, खासतौर से दिल्ली बॉर्डर, क्या सील पूरी तरह से कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर लगा हुआ है और साफ तौर पर दावा भी किया गया था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को फरीदाबाद में प्रवेश नहीं मिलेगा। और इसके अलावा बात करें, जिस तरीके से डीसी अस्पताल राय यादव है, उन्होंने कुछ शर्तों के साथ लोगों की एंट्री करने की पुष्टि भी की थी, लेकिन वो जो जरूरी नॉर्म्स हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। जी गौरव, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए।